हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्टडी वन स्टेप अहेड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों मैं आप लोगों के सामने एक और अपडेट लेकर के आ चुका हूँ। सीधा दोस्तों लखनऊ खंडपीठ से अपडेट आ चुका है। आदेश दोस्तों जारी हो चुका है। मैं आप लोगों को दोस्तों सब कुछ बताने वाला हूँ। जल्दी जल्दी का इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, बिकॉज सारी अपडेट सबसे पहले आप लोगों को अनदर एपिसोड ऑफ स्टडी चैनल पर प्रोवाइड की जा रही है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं, सुनवाई जो है दोस्तों अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। अभी तक जो सुनवाई आज की थी दोस्तों वो पूरी हो गई है, और इतने अच्छे तरीके से दोस्तों शिक्षा मित्रों ने अपना पक्ष रखा। कहीं ना कहीं दोस्तों इस भर्ती को मैं अब आप लोगों को बता रहा हूँ, आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है, बिकॉज हो सकता है कि भर्ती परीक्षा निरस्त भी हो जाए। आज कोर्ट ने दोस्तों अंदर कोर्ट के अंदर से ये बातें निकल करके आई थी। तो अभी अभी की जो लेटेस्ट दोस्तों सुनवाई तो पूरी हो चुकी है। भर्ती पर दोस्तों 28 तारीख तक का दोस्तों स्टे दे दिया गया है। 28 तारीख तक यथास्थिति जो है बरकरार रहेगी, जब तक दोस्तों जो पीएनपी या सरकार की तरफ से दोस्तों कोई पुख्ता या फिर सब पक्ष नहीं रखा जाता, तब तक दोस्तों इस भर्ती परीक्षा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, ऐसा कोर्ट ने दोस्तों अपडेट दी है। तो 28 तारीख तक के दोस्तों अभी जो इसका स्टे मिल गया है, आगे दोस्तों देखना होगा क्या होगा। बिकॉज आज जो कोर्ट का दोस्तों निर्णय था वो बस दो बातों पर अड़े हुए थे, या तो आप 40-45 में भर्ती करिए, नहीं तो फिर विज्ञापन को निरस्त कर दें। तो दोस्तों लेटर शब्द सबसे पहले मैंने आप लोगों तक पहुँचा दिया है। 28 तक दोस्तों स्टे मिल गया है, जो सुनवाई है पूरी हो चुकी है। बाकी दोस्तों मैं आप लोगों के सामने ऑफिशियल अपडेट भी लेकर के आऊँगा जो कोर्ट ऑर्डर होगा। तब तक के लिए गाइस इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लें। इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा, तो वेट करते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।